Hey friends, आज हम देखेंगे कि एसी का गैस कैसे टॉप अप करें और क्या मेथड है और सही गैस का प्रेशर है कि नहीं, एसी क्लीन कैसे करें आउटर यूनिट, ये सब आज देखेंगे हम। और व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज माय एसी इज ऑलरेडी एज यू सी My AC is already open, the cover is already open because I had filled little bit of gas, not completely, but this might be a normal problem with anybody. Normally people top up their ACs or top up the gas of their ACs. So how to identify that proper gas is loaded? One, either you can see, ek to aap dekh sakte ho ki इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, कितने ग्राम्स ऑफ R22 और R410A इज रिक्वायर्ड। सो सिमिलरली इट्स अप टू द स्पेसिफिकेशन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ मच गैस इज देयर और हाउ मच मोर इज टू बी एडेड और कितने हम ऐड कर सकते हैं, ये देखेंगे, पहले चेक करेंगे फिर हम इसको देखेंगे। अभी हम आउटर यूनिट को क्लीन करेंगे, उसका कॉयल को भी क्लीन करेंगे। सो लेट्स डू इट। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग आउटर जो स्प्लिट यूनिट है उसको हम क्लीन करेंगे। मैं एक एसिड खरीदा हूँ, 100 रुपया का है ये, और उसको स्प्रे करने के लिए एक और बॉटल खरीदा हूँ। तो इन दोनों के मदद से हम आउटर यूनिट को, आउटर यूनिट स्प्लिट जो है हमारा खुला पड़ा है तो उसको हम साफ़ करेंगे। अभी हम आउटर यूनिट जाएंगे और साफ़ करेंगे। अभी घर में पावर सप्लाई भी नहीं है तो अभी गैस चार्जिंग का थोड़ी देर के बाद करेंगे, गैस चार्ज जो चेक करना था टॉप अप। अभी क्लीन करेंगे, ऑयल क्लीन होगा तो प्रॉपर कूलिंग भी होगा। तो ये क्लीन हुए 2-3 साल हो गए हैं, इसका सर्विसिंग मैं ही कर रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। यस फ्रेंड्स, अभी मैं बोल गया बोलने, ये कॉपर वायर ब्रश और स्टील वायर ब्रश एंड प्लास्टिक, ये 3 सेट 90 रुपये का है, 30-30 रुपया। सो ये 90 रुपये का है, इसको आप वायर ब्रश मांग सकते हो, एक सेट है। इसके साथ हम जब क्लीन करेंगे, ये पानी और एसिड मिक्स इस जार में जब हम मिक्स करके कॉइल पे अप्लाई करेंगे, आउटर स्प्लिट के जो कंडेंसर होता है उसे क्या होगा, उसके बाद हम ये ब्रश अप्लाई करेंगे, ब्रश से साफ करेंगे और सारे मिट्टी जो भी डस्ट एक्यूमुलेशन है वो सारा निकाल देंगे। लेट्स डू दैट। व्हाट वी सी नाउ इज द एसिड, जो एसिड है इसको अच्छी तरह से देख ले, ये कितने ml के है, ये 1.25 सवा kg का है, 1.24 ऑलमोस्ट 1 kg एंड क्वार्टर, दैट मीन्स 1.25 किलोग्राम्स। और इसको इसका जो रेट लिखा है 180, बट ये 100 रुपये में मिल जाता है। इस जस्ट लाइक सम काइंड ऑफ एसिड फॉर क्लीनिंग दी कॉयल, इंडोर और आउटडोर कॉयल को, एसी कॉयल क्लीनर एंड ब्राइटनर। द डस्ट एक्यूमुलेट्स ऑन द कॉयल विल रिड्यूस द कूलिंग इफेक्ट। सो दिस इज द पंप, स्मॉल जार, पंप जार, आई कैन पंप इट आफ्टर फिलिंग द एसी and mixing with water and some clothes. Let's go to the outdoor unit. अब हम बाहर जाके क्लीन करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड 15 मिनट के बाद क्लीन करेंगे। अब ये जार देखिए, ये आधा है। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसमें इतना एसिड लूँगा इतना और पानी इतना लूँगा। सो दिस इज़ ए बिगर कॉयल, एज यू सी दिस इज 2 टन एसी। आई हैव टू अप्लाई थ्रू आउट दिस कॉयल एंड लॉट ऑफ सॉयल, लॉट ऑफ मिट्टी, ये सब निकालने हैं। तो अभी हम
इस जार में इतना तक लेंगे एसिड और उतना इक्वल अमाउंट पानी मिलाएंगे। पानी मिला के इसको अप्लाई करेंगे उस पर। सो लेट मी मिक्स किया हूँ, इसमें अभी भर देंगे। ओके, इसका ढक्कन निकालेंगे। इतना काफ़ी है, ज़रूरत पड़े फिर से ऐड करेंगे। अभी इतना अमाउंट पानी ऐड करना है और इसको मैं ढक्कन बंद कर देता हूँ। इसको भी बंद करके पानी भर कर ले आता हूँ। मैं मिला लिया इतना एसिड को, इतना पानी मिला लिया तो थोड़ा डाइल्यूट ज़्यादा हो गया, बट ठीक है, ज़्यादा एसिड क्वांटिटी भी नहीं चाहिए। एंड हम लोग अभी पंप करेंगे, इसलिए थोड़ा हवा के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दिया। फ्रेंड्स, आई कंप्लीटेड दिस, ऑलमोस्ट दिस मच ऑफ एसिड वाज देयर एंड आई फिल्ड अप टू दिस। यू कैन सी द एसिड बॉटम इज आल्सो, आई यूज दिस मच, दिस आई विल यूज फॉर फर्दर इंडोर यूनिट आल्सो एंड यू कैन सी द एसिड। Thoroughly applied to the entire coil, then let's wait for 15 to 20 minutes, then apply water to the same place. Yeah. मैंने पानी भर के ले आया, I'll spray, I'll wait for another 15 to 20 minutes for this coil to have the acid. तो जो acid है इस पर थोड़ा काम करने दो, ठीक, हम वापस आते हैं और fresh water spray करते हैं। इट्स ओनली प्लेन वाटर फ्रेंड्स, ये खाली पानी है, इसको स्प्रे करके क्लीन करेंगे। थोड़ा एसिड का स्मेल है, रियली चोकिंग है, डोंट गो टू नियर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा आपको। मैं इधर भी थोड़ा पानी डाल दिया, अब अंदर का भी थोड़ा क्लीन किया, अब
देख सकते हो ये पेंट है, इस तरफ तो पानी ही नहीं डाला बिकॉज इलेक्ट्रिकल से। अब पीछे जाके थोड़ा डाल दूंगा। अभी हम ब्रश यूज़ करेंगे और क्लीन करेंगे। विल नॉट यूज़ कॉपर ब्रश और स्टील, विल यूज़ द प्लास्टिक ब्रश। हम प्लास्टिक ब्रश यूज़ करेंगे और इसमें पानी भरेंगे और एक बार स्प्रे करेंगे, और जितना मिट्टी है थोड़ा काला काला है अभी उसको साफ करेंगे। आज सिर्फ साफ करेंगे, कल गैस चार्ज करेंगे गाइस। सो फ्रेंड्स, द एक्सपेक्टेशन वॉज टू मच ऑफ डार्क water or dirty water, but I did not get that much. I wonder this AC, probably 2.5 years back I did one service, so probably they cleaned it up, I'm not sure, and it was not been in use. Use nahi ho raha tha ye, isiliye ki iska error 10 aa raha tha, to main khud khol ke uske baad se main service kar raha hu. Pichle 1.5 saal se main service kar raha hu. So अभी ये क्लीन हो गया, अभी हम इसको ड्राई होने देते हैं, फिर जब गैस खरीद के लाएंगे 1 किलो, एंड ये 2 टन का एसी है तो इसमें हम 700-800 ग्राम तक R22 लोड करेंगे। अभी 450-450 तक लोड हुआ है उस दिन, उसके बाद मेरा गैस ख़त्म हुआ और टेम्परेचर प्रेशर पीक लेवल पे पहुंच गया, तो द प्रेशर वाज ऑलमोस्ट लाइक 50-55, आई विल ब्रिंग इट टू 70, 60-70 रेंज, दैट इज़ ऑन द स्टैंडिंग। इन द रनिंग आई विल ब्रिंग इट अप टू 150-160, एंड आई विल क्लोज द कवर वंस आई टॉप अप दिस। सो टॉप अप करने के बाद ढक्कन बंद करेंगे और इसका प्रोजेक्ट क्लोज करेंगे। थैंक यू। पानी भर के ले लिया, प्रेशराइज कर दिया। नाउ अभी हम ब्रश यूज़ करेंगे, आई यूज़ द प्लास्टिक ब्रश, इट विल नॉट डैमेज एनीथिंग। कॉपर ब्रश विल यूज़ फॉर द इंटरनल कॉइल्स कंडेंसर्स वेयर दिस इज फुल ऑफ कॉपर। चलिए Yeah, this works well. It removes all the dirt, the black color, that is the dirt, it just removes.
I should use the steel brush also, but no, let's use this. Similarly, we can clean the entire unit. Inside also I am cleaning. Let's see where do I reach. देखते हैं इसके बाद, देखते हैं कि कितना क्लीन हुआ है और कितना हमें पानी मारना पड़ेगा. एसिड तो डेफिनेटली नहीं, एसिड हमने लगा लिया. Far, far better now. I had cleaned it. Let us see. Good evening, friends. Now we had cleaned this AC yesterday. You can see inside out. With some cleaning acid. Oil cleaning acid, and I had shown that yesterday. So today I'm going to check the pressure and top up the gas R22. This is the meter. I had a washer problem here. There was a washer missing here. I have added that. वो मैं वो वॉशर खरीद के लाया और इसमें ऐड कर दिया. नाउ ये लाइन रेड लाइन है, लेकिन दिस वायर इज अनदर एंड इज कनेक्टेड टू ए 410A गैस चार्जिंग पोर्ट. दैट इज़ फॉर माई गोदरेज. I have used this port, so this cable I am not connecting to this manifold here. Red, instead of red I have connected the blue, black one, and the yellow line is a charging line. I will connect the yellow or the blue to the AC charging port, and yellow to the gas cylinder. I purchased 1 kilo, and I will show you the gas weight, how much is the weight. And this meter has a tolerance of 5. Well, let me open it. Some tolerance there, so you have to keep in mind that there is some tolerance. Let me connect the cylinder and connect the manifold and come. So friends, let's check the weight. इसका वजन हम देखेंगे कितना है. ये है 2.73. kilo. So I want to add 700 plus gas R22 into this AC. So let me add.
2.77. Now I must add about 700 770, because we almost added 400 plus, so I'm going to add 1 kg plus gas in this 2 ton, and let us check that and let us fill maximum of 1 kg plus. So I will check again iska weight hum dekhenge up to 2 kg. Let me again set it up 0. kg, so that means 1.6 is the weight of the cylinder, and almost 1 kg gas is there. So let me fill 700 out of this 1 kg, so I will bring the weight up to 2 kg. Let's go outside. अब तो मैं कनेक्ट कर दिया इधर, आई डोंट नो दिस मीटर इफ इट्स बिहेविंग नाउ, द सोर्स सो मच ऑफ प्रेशर 150, इट सोर्स 150, दैट शुड बी ओके, शुड बी ओके, द ऑफलाइन प्रेशर शुड बी 150, but this meter going completely, so I can connect the red meter. मैं अभी red meter connect करूँगा तो उससे पता लगेगा ये 150 से ऊपर है या नीचे है. So let me connect the black cable and come back. Black cable connect करके अब हम देखते हैं. Pressure is good. I think my AC's leakage problem is resolved, so there is no leakage problem in this AC. The pressure I could see is 150 plus. So let me connect the red meter, that is black cable. Black cable connect kar dena now. Ab main blue cable ko connect kar diya usme charging port mein, and meter is showing 0, clamp meter is showing 0. प्रेशर, अब रेड मीटर में प्रेशर क्या है वो देखना है. प्रेशर इज 100 है, लेस देन 150, सो आई नीड टू चार्ज इट, आई नीड टू चार्ज. इफ दिस इज व्हाट इसको बोलते हैं स्टैंडिंग टेम्परेचर, सॉरी स्टैंडिंग प्रेशर. स्टैंडिंग प्रेशर शुड बी 160 टू 170, which is little less now. So what I am, मैं अभी क्या करूँ, इसमें गैस सिलेंडर को भी कनेक्ट कर दिया जिसमें 2.73 kg दिखा रहा है, तो 700 ग्राम तक R22 इसमें फिल करना है. आई एम गोइंग टू फिल 1 kg ऑफ R22, 1 kg और 1.2 kg. लेट मी सी व्हेन द प्रेशर कम्स 160, that is the pressure where the standing pressure should be. When I switch on, it should go to 60 to 70.
60 से 70 के बीच में रहना चाहिए इसका रनिंग प्रेशर। अभी मैं इसको खोलूँगा, इस नॉब को खोलूँगा, सिलेंडर के नॉब को खोलूँगा और यहाँ से मैं पर्ज कर दूँगा जितना भी एयर है इस ब्लू येलो लाइन में, इसको पर्ज कर दूँगा और बाद में चार्ज करेंगे गैस। इसको मैं खोल दिया, अभी ये खुल गया है तो इसमें इस पाइप में अभी गैस भरा है तो इसको थोड़ा पर्ज करेंगे, इसमें जो भी एयर है उसको पर्ज करेंगे और फिर हम चार्ज करेंगे ना। काफ़ी है इतना पर्जिंग, काफ़ी है जितना एयर था, मेरे हाथ में गैस लगा है, थोड़ा ठंडा फील हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, नॉब को खोलूँगा धीरे धीरे करके, इसको 160 से 170 तक लेके जाना है। दस से 15 सेकंड तक खोलेंगे और बंद कर देंगे। अभी प्रेशर ऑलमोस्ट 150 तक आ रहा है जो इसका स्टैंडिंग प्रेशर है। वाइल कनेक्टिंग दी चार्जिंग लाइन्स आई लॉस्ट लिटिल बिट ऑफ गैस, बट दैट्स ओके, लिटिल बिट ऑफ दिस थिंग शुड बी ओके। एंड अभी हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे और करंट मेजर करेंगे और ये मीटर का रीडिंग देखेंगे, ये 60 से 70 तक जाना चाहिए क्योंकि R22 गैस का प्रेशर, रनिंग प्रेशर शुड बी 60 to 70। लेट्स गो टू इनसाइड द रूम एंड स्विच ऑन द एसी। एसी को ऑन कर दिए, मैं अभी एसी को ऑन कर दिया, अभी देखते हैं 3 मिनट के बाद ये एसी रनिंग प्रेशर देखना है इसका। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस शुड कम टू 60 to 70। इफ दैट रीचेस 60 to 70 देन रिमेनिंग गैस शुड बी फिल्ड। इफ इट इज रीच दैट मीन्स द गैस इज प्रॉपर, बट आई नो गैस इसमें 400 ज़्यादा से ज़्यादा 450 गैस होगा, 450 ग्राम। अब हम इसको 1 kg 200 तक लेके जाएंगे। ये 2 टन एसी है एलजी के, जो नॉर्मली 1.5 टन में 790 ग्राम तक गैस इसमें भरते हैं और रिकमेंडेड है। मैं इसमें अभी 1 kg तक भरूँगा क्योंकि 2 टन है, मेरे गोदरेज में 1.250 है ग्राम्स, 1 kg 250 ग्राम्स, दैट इज़ 1.5 टन गोदरेज एसी स्प्लिट एसी, बट इसमें मैं 1 kg तक भरूँगा और ये प्रेशर देखूँगा, स्टैंडिंग प्रेशर और रनिंग प्रेशर चेक करूँगा इसका। स्टैंडिंग प्रेशर वॉज लेस देन 150 एंड एलजीसी मीटर सोर्स लेस देन 150 PSI, सो लेट्स चेक। डोर यूनिट चल गया है, कंप्रेसर चलने के इंतजार है। फिर करंट चेक करेंगे, क्लैम्पेटर इज अटैच्ड ऑलरेडी, इसका करंट भी चेक करेंगे कि कितना है। चल गया कंप्रेसर,
consumption should come and stay between 60 to 70. जब आपका एसी में रनिंग प्रेशर लेस देन 60 पीएसआई है और R22 गैस है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको गैस चार्ज करना है। अभी हम गैस चार्ज करेंगे, 1 kg तक इसमें भरेंगे एंड अब हम भरते हैं। लेट मी ओपन दिस नॉब। ओके, before opening this knob let me see the current it takes. This compressor takes the current, the clamp meter. ₹4.69 is the current the compressor taking now. The current is 4.69 amperes, that is 4.7 amperes, and the running pressure is increased now. अभी इसका running pressure increase हुआ है, हम gas charge करते रहेंगे। जैसे कि मैं बोला हूँ इसको 15-15 सेकंड के लिए ऑन करना है और ऑफ करना है इस नॉब को। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके गैस चार्ज हो जाएगा। जब तक ये रेड मीटर हमारा 70-75 तक पहुँचे तब हम बंद कर देंगे। तब तक हमारा गैस भर गया होगा एंड इसको वजन करके हम देखेंगे कि कितना है, कितना गैस चार्ज हुआ है। अभी 50 में आ गया है, 50 और 100 के बीच में जो लाइन है वहाँ तक लेके आना है। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 75, तो 75 में हम इसको रोक देंगे। अभी इसको टाइट कर दिया, क्लोज कर दिया। So friends, with this I can say I have charged the remaining gas and let me check the weight of the cylinder after disconnecting the charging line, yellow line. Let's check the current now. It should be 6 amps and above. Six point two four is the ampere it is currently taking and the running pressure is almost 75. So let's stop the charging. I have already closed this knob so that there is no more gas. I have to remove this connection and weigh the cylinder and check. अब इसका वजन देखेंगे कि 700 ग्राम इसमें भरा या नहीं भरा। So friends,
2.54 kg. That means it was 2.7. So almost 200 grams of R22 is filled here. So 600 plus, I can say 400 plus and 200 plus, almost 700 grams of R22 is charged here, and I achieved the pressure which I should be getting. The pressure I am getting in the standing is 150, that I need to check, and running I am getting almost 70, so it should be fine.